दो और दो प्यार, प्रतीक गांधी एंड विद्या बालन की ये मूवी अभी जस्ट देख के थिएटर से आया हूँ एंड आपको बताने वाला हूँ ये मूवी कैसी है एंड आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो भाई ये मूवी मैं देखने गया था बिना इसका ट्रेलर देखे। जी हाँ, इस मूवी का मैंने ट्रेलर नहीं देखा, सीधा इस मूवी को देखने गया। एंड ये मूवी स्टार्ट होती है कुछ सरप्राइजेज से। जी हाँ, मूवी के स्टार्टिंग में आपको कुछ सरप्राइजेज मिलेंगे, उसके बाद ये मूवी थोड़ा फनी होने की कोशिश करती है एंड वो कॉमेडी भाई वर्क भी करती है। बाकी ये मूवी एक अनयूजुअल मैरिज स्टोरी है एंड इस मूवी में बहुत सारा ड्रामा है, तो अगर आपको ड्रामा मूवीज पसंद है एंड उसमें थोड़ी सी लव स्टोरी हो तो आपके लिए ये मूवी परफेक्ट रहेगी। जी हाँ, इस मूवी में प्रतीक गांधी एंड विद्या बालन दोनों ने ही अच्छा काम किया है। प्रतीक गांधी की लास्ट मूवी मैंने मैडगांव एक्सप्रेस देखी थी एंड उस मूवी में भी उन्होंने भाई अच्छा काम किया था। इसके अलावा हम सबको पता है प्रतीक गांधी फेमस हुए थे अपनी सीरीज स्कैम 1992 से। बाकी भी अगर आप लोगों को इस मूवी की बेसिक स्टोरी बताऊं तो भी इस मूवी में दिखाया गया कि विद्या बालन एंड प्रतीक गांधी एक मैरिड कपल है जिन्होंने घर से भागकर लव मैरिज की है एंड भी वो लास्ट 12 सालों से एक साथ रह रहे हैं। इसके बाद वो दोनों आपस में बोर हो जाते हैं एंड उन दोनों का अफेयर चलने लगता है, लेकिन भी कुछ टाइम बाद उन दोनों को वापस से लव हो जाता है एंड देन उसी टाइम पर उन दोनों को एक दूसरे के अफेयर्स के बारे में भी पता चल जाता है एंड यहीं से चीजें बिगड़ने लगती है। लेकिन भाई ये एक लव स्टोरी ड्रामा मूवी है तो भाई इस मूवी की एंडिंग एक हैप्पी एंडिंग है। बाकी भाई इस मूवी में कहीं कहीं पर एक अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। उस बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा और यूज करना चाहिए था, इस चीज की मुझे कमी लगी। बाकी भाई एट द एंड आपको इस मूवी के बारे में बताऊं तो भाई ये मूवी उनके लिए परफेक्ट है जिनको ड्रामा लव स्टोरी मूवीज पसंद है एंड विद ए हैप्पी एंडिंग। तो भाई अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है तो भाई आपके लिए ये मूवी परफेक्ट रहेगी, क्योंकि भाई इस मूवी में कोई एक्शन मारधाड़ या कोई सस्पेंस इस टाइप का कुछ भी नहीं है। बाकी भाई मेरी तरफ से आपको ये मूवी रिकमेंडेड रहेगी।